उधर कांड लग रहे थे बाहर तक राफ्टिंग चल रही साइड में गंगा में, तो धरती राफ्टिंग दिखाओगे यार। देखो पानी कितना साफ है, ऊपर बढ़िया मौसम हो रहा, बादल बुदल पूरे। पूरे मजे हो रहे, देखिए की बढ़ता है। हाँ जी, हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं और अब हम राम झूले की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और ये मैं और सोनिया पीछे चल रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं दोनों भाई। पार्किंग फुल थी, मुश्किल से बनी है। आज तो समय ही गाड़ी पार्क करते करने करने में आध घंटा लग गया। बूंद आ गया देखो कितना प्यारा व्यू है। तो जी हमने ऑर्डर दे दिया था खाने का, तो अचार और ये हरी मिर्च आ गई है। जो आज सबसे लास्ट तक खाना खाएगा उसे ये एक मिर्च खानी पड़ेगी, है ना मकू? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है चैलेंज, तो बस अब खाना आएगा फिर खाएंगे और फिर आगे का ये व्यू है। तो जो खाना आ गया, खाना खाने लग गए हम, खाना खा ला फिर इसके बाद यहाँ तक निकलेंगे। मुकू खाना खा ले, मुकू मुकू ने फोन मिल गया जिसने दिया ना खावे। तो जी बस हमने खाना खा लिया है, तो बस हम चलेंगे। देखो पीछे इतना मस्त, तो बस चलेंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जंगल है, 10 किलोमीटर तो हम पीछे तो देखते सुना लिए और ये भी तो चल रहे हैं, अरे भी तो कई किलोमीटर में गए हैं। ये थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी आगे का हाथी गया था, फिर गाड़ी मंदी करी, फिर हाथी जाने के बाद फिर क्रॉस किया रोड और फिर इतना फोन काटा, इतना फिर वीडियो ना बनाना पाया, इतना हाथी चला गया था जल्दी थे, कई हाथी थे साथ में, क्योंकि पीछे तो शेर वगैरह होता इस मारे। छोटा सा ही मंसूरी है, 66 किलोमीटर मंसूरी, हवाई अड्डा जी 8 किलोमीटर, क्योंकि थानो 10 किलोमीटर। ये सुनसान रोड है, अलाउड तो नहीं पर रुकते होंगे सो बड़े फोटो वगैरह उतारने के चक्कर में। हाथी बहुत भयंकर थे ना, जंगली हाथी थे। बोर्ड था वो चल रहा भाई मसूरी की तरफ, मंसूरी पड़ेगा 66 किलोमीटर था ना मंसूरी, 70 धारा जावा, 1.5 घंटे में 70 धारा पहुंच लेंगे। धारा कट्टी हो गए उसको बोलते हैं, सैकड़ों
थोड़ा सही दिखा मामला हवाई अड्डा सीधा है भाई सीधा है हवाई अड्डा राम आऊगा हवाई अड्डा राम आऊगा हवाई अड्डा उस साइड है उस साइड का अच्छा अच्छा जो जंगली में चल रहा है हाथी आने के बाद बहुत ज्यादा डर सा लग गया है फोन काट आई इतने बच्चे ले भी गए यार हम तो उसने देखने में इतने मगन हो गए इतने बहुत गड़े तो वीडियो नहीं बना पाए तो अगर आगे ऐसा कुछ होगा दिखेंगे तो आपने पक्का दिखाओगे आपने खुद अफसोस हो कि आप लोगों तो क्यों नहीं दिखाने पाए तो आगे आओगे तो पक्का दिखाओगे तो बस हाँ तो बस चल ले रहा है जंगल हाँ दिख जावे बहुत बड़ा जंगल है बहुत अजीब से फिर जंगली हाथी थे हाँ तो बस जी बार कई पेड़ तो गिरा भी रखे थे हाथियान बड़े बड़े पेड़ हाँ आग भी लगा दी थी फिर बाद में पहला आगे होंगे तो इस वजह से आग भी लगा दी तो अगर आग ऐसा कुछ होगा ना तो आप सब ने पक्का दिखाएंगे तार वगैरह आ रही है जी इसीलिए लगा रखेंगे आती है रोड पे ना यहाँ पे ये फिर खत्म हो गए और पीछे लिख भी रखा था देखिए यू आ गया फिर मंदिर सावधान आती है सावधान दूरी बनाए रखी हाँ अति से दूरी बनाए रखी दुर्घटना संभावित क्षेत्र लग रखा सावधानी पूर्वक चले बारिश आ गई जी बहुत तेज बारिश आ रही है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है हाँ जब आ जाए जब चली जाए ऊपर का कितना बढ़िया व्यू व्यू बहुत अच्छा हो रहा है ऊपर बादल बुदल कितने देखिए कितना बढ़िया नजारा हो रहा है सस्ते दारा पहुंच गया जी में रूम वगैरह देखा है रहने के लिए सस्तर का है महेंद्र का अनिल है ना अपने आठ एक दिन तो जी बस हम सस्तर दारा में आ गए थे तो यहाँ पर बारिश होने लग रही है इस वजह से इनका कुछ दिखा नहीं पाए लेकिन कुछ खान पीन का मंगाया है तो वो कुछ खा लिया कुछ लोकेशन यहाँ की ऐसी है आप सभी को दिख रही होगी तो बस हम ना लिए और बस कंफर्टेबल ही कपड़े डाले हैं अभी तो ये देखो कितना मस्त व्यू है अब दिखाती हूँ मैं देखना तो देखो ये यहाँ और हमारे इनको देखो ये खा रहे हैं खाना ये देखो और यहाँ का व्यू देखो कुछ ऐसा है ये देखो कुछ ऐसा व्यू है ये हमारे साहब जी खड़े तो बस अब कुछ खा पी ले तो ये चाय लेते हुए तो बस कुछ खा ले पानी आ गया तो बस अब कुछ खा ले मिलते हैं आगे कुछ क्या करेंगे आपको दिखाएंगे पहले कुछ खा ले तुम
तो जी बस हम फोटो वगैरह लग रहे थे उतार रहे हैं, कुछ वीडियो बनाई है, इंस्टा की रील्स भी बनाई है, तो अब सेलिब्रेट करेंगे। मैंने बताया था कि व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस अब हम सेलिब्रेट करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम क्या सेलिब्रेट करेंगे। क्यों नहीं, ये अभी रेडी हो रही है, इसने ड्रेस चेंज किया है, तो बोलिए सेम हो जाते हैं, थोड़े मुखा ठीक है हो जाते हैं। और हमारी मुक्कू रानी ने कैप पहन ली, तो बताइए कैसी लगी इसकी कैप? अच्छी। हम भी सेम हो जाए तो अभी ये बोल रहे कि हम दोनों भाई भी सेम हो जाएंगे, तुम दोनों सिस्टर सेम हो गए, तुम खा हो जाओ, नो प्रॉब्लम। तो बस दिखाएंगे आगे क्या होएगा। क्या दिखाओगे आज? सोनी की 12 बजे के बाद आज क्या है? कोई स्पेशल डे है जो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो जी बस अब हमने डांस वगैरह कर लिया है, बहुत ज्यादा फोटो क्लिक कर लिए, रील बना ली, नॉर्मल वीडियो बना ली, डांस की वीडियो बना ली बहुत ज्यादा। तो बस अब हमने खाना ऑर्डर करा था, हम खाना खावांगे, और ये यहाँ पर बैठी है, खाने का ही वेट हो रहा है। ये दोनों फोटो एडिट कर रहे हैं क्योंकि फोटो भी तो लगाने हैं, इसलिए अभी एडिट कर लो तुम, है ना मुक्कू? कैसे मजे आ रहे हैं? घूमने आए हो? कहाँ पे? बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज यहाँ पे बारिश हो रही है, इतनी गर्माश है और बाहर इतनी ज्यादा ठंडी है। ये बच्चों को देखो, पेन सर्दी नहीं लग जाए इसीलिए कंबल में है ये। तो बस सब खाना वगैरह खा लें, फिर आगे आप देख लेना क्या होगा, अभी तो हमें भी नहीं पता, तो फिर खाना खा के तो जी बस अब हमारा खाना भी आ गया है, ये लाइव चल रहा है मेरी, तो बस अब खाना आ गया, अब खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा थकान थी, सो रही है, रेस्ट करेंगे। देखो ये बच्चे एक्साइटेड हो गए खाने के लिए, क्या खाएगा प्रदीप? मम्मी का प्लान कैसा लगा? कैसा लगा? गंदा, बता दे। तो ये खाना आ गया, कैसा लगा? ये देखो ये एडिटिंग में जुटे हुए हैं। तो बस खा ले अब खाना, अपना खाना आ गया है, रोटी है और कढ़ाई पनीर और समानी बाव का